हाय दोस्तों, आज हमारे पास आई है मारुति की स्विफ्ट। तो पूरी गाड़ी हमें डेंट पेंट करनी है, इसका कलर पूरा उड़ गया है गाड़ी का। अब बोनट की कंडीशन देख सकते हो, पूरा कलर उड़ गया है। फ्रंट बम्पर में कलर भी पपड़ी बन के निकल रहा है। लेफ्ट साइड फ्रंट डोर पर भी स्क्रैचेस और डेंट्स पड़े हुए हैं। रियर डोर पर ऊपर सड़ा हुआ है। और नीचे पीछे लेफ्ट हैंड साइड रियर बॉडी पैनल पे डेंटिंग बरोबर नहीं किया, पहले बॉडी फिलर बहुत यूज़ किया गया है और दरवाजे पर भी बॉडी फिलर बहुत यूज़ किया गया है। पूरा बॉडी पैनल का जो घिसी आता है वो पूरा गोल हो गया है। पीछे के बम्पर पर भी स्क्रैचेस पड़े हुए हैं और पीछे के बम्पर थोड़ा फटा हुआ है, वो भी हमें रिपेयर करना है। राइट साइड आप बॉडी पैनल में भी देख सकते हैं डेंट है और पूरा कलर उड़ गया है, ये पपड़ी बन के निकल रहा है कलर। फ्रंट बम्पर में जैसे आपको बताया था मैंने कि पपड़ी बन के कलर निकल रहा है, नया बम्पर डाला है किसी ने पर उसमें प्लास्टिक प्राइमर यूज़ नहीं किया है। और राइट साइड फ्रंट फेंडर की कंडीशन आप देख सकते हैं कितनी ख़राब है, पूरे फेंडर का कलर फेड हो गया है और उस पर डेंट्स भी है। गाड़ी का टॉप बहुत ख़राब हो गया है, पूरा टॉप का कलर उड़ गया है, टॉप पूरा वाइट हो गया है। राइट साइड से आप देख सकते हैं गाड़ी का कंडीशन कैसा है। फ्रंट बोनट की कंडीशन बहुत ख़राब है। रियर डिक्की पे भी सब एम्बलम मोनोग्राम निकले हुए हैं और पीछे का रियर वाइपर नहीं है, ये वाइपर हमें डालना है। चलिए तो काम शुरू करते हैं गाड़ी में। सबसे पहले हमें गाड़ी को ग्राइंडर से पूरी ग्राइंड करनी पड़ेगी, सब निकालना पड़ेगा जो बॉडी फिलर जो यूज़ किया गया है इतना सारा, उससे क्या पूरी गाड़ी लेवल होगी। देख सकते हैं कितना बॉडी फिलर यूज़ किया गया है, ये सब जो भी ये पाउडर उड़ रहा है ये सब बॉडी फिलर है।
पुट्टी को हमने घिस दिया है, 80 ग्रेड के पेपर से घिसना पड़ता है इसे, इसे घिस के हमने क्लीन कर दिया है। अब पुट्टी के बाद इसमें एनसी लापी पुट्टी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसमें 2 लेयर्स ऑफ लापी पुट्टी लगेगी। इससे जो से पुट्टी को घिसने में जो स्क्रैचेस पड़े हुए थे वो ये एनसी पुट्टी से कवर हो जाएंगे। ये लापी पुट्टी को घिसने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब इसे 320 ग्रेड के पेपर से ये जो भी लापी है वो निकाल देंगे और पूरी गाड़ी में फिर से एक बार रबिंग करके पूरी गाड़ी को डल करेंगे और सरफेस को एकदम क्लीन करेंगे, पेंटिंग के लिए रेडी करेंगे। और जो भी जो बोनेट पे कलर उड़ गया था उसे भी घिसकर मिलाना पड़ेगा कि वो वापस बाहर ना आए, ऐसा फिर से ना हो। लापी पुट्टी अब हमने पूरी घिस दी है गाड़ी में, पूरी गाड़ी देख सकते हैं पूरी लेवल हो गई है, जहाँ पर भी डेंट थे वो लेवल हो गए बॉडी शेप में। और जो भी हमने डोर के गार्नेस खोल दिए हैं और साइड मिरर भी निकाल दिए हैं, पूरी गाड़ी वॉश कर दी है हमने, जो भी जो डस्ट थी वो गाड़ी में से निकल गई है। अब वो पेंट के लिए गाड़ी रेडी है। तो पूरी गाड़ी को हमने मास्किंग कर दिया है, जो फ्रंट बम्पर में भी जो सब पपड़ी बन के कलर निकल रहा था उसे भी पूरे सेंड आउट कर दिया है। ये फ्रंट ग्लास और दरवाजे के ग्लास ये सब हमने कवर कर दिए है कि इस पर कलर ना उड़ सके। ब्रेक लाइट हमने निकाल ली है, पीछे डिक्की में जो एम्बलम लगे हुए थे वो भी हमने निकाल दिए हैं, वो नए डालने हैं। गाड़ी में प्राइमर का कोट हो गया है, मैं जूते प्राइमर हमने यूज किया है हार्डनर बेस्ड, इससे कलर का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये गाड़ी को प्राइमर से कवर अप कर दिया है। गाड़ी में कलर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये मारुति सुजुकी का मेटालिक सिल्की सिल्वर कलर है। इसमें टोटल 3 लेयर्स ऑफ पेंट होंगे। ये क्लियर कोट वाला कलर है, कलर होने के बाद इस पे क्लियर भी अप्लाई होगा।
अब क्लियर कोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट है। देखिए अब साइन आ रही है कलर में। क्लियर कोट से कलर में शाइन आती है और कलर की प्रोटेक्शन मिलता है कलर को, उससे गाड़ी की लाइफ बढ़ती है। क्लियर के दो लेयर लगते हैं। ये पहला लेयर थोड़ा रफ मारा जाता है जिस वजह से क्लियर दरवाजे के ऊपर और भी बॉडी पार्ट्स के ऊपर सेट हो सके। उसके बाद सेकंड लेयर अच्छे से की जाती है जिससे उसमें शाइनिंग आती है। क्लियर का सेकंड लेयर स्टार्ट हो गया है, आप साइन देख सकेंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाड़ी के पहले के फोटो आप देख सकते हैं, पहले टॉप कुछ जैसा दिखता था, अब बॉडी बना जैसा देख सकते हैं। कंडीशन पहले क्या, गाड़ी कंडीशन में हमारे पास आई थी। गाड़ी का काम पूरा हो गया है दोस्तों, इसमें पॉलिशिंग रबिंग करा ली है, थोड़ा एसेसरीज का भी काम किया हुआ है, सोफा टेन में ये डाले हुए हैं, क्वालिटी देख सकते हो काम की। ठीक ही नाम में मारुति सुजुकी के एम्बलम भी दूसरे डाले हुए हैं, चेंज किए हैं। पीछे का रियर वाइपर भी हमने चेंज किया है। ये राइट साइड का फेंडर आपने देखा होगा पहले कैसा था, अभी आप देख सकते हैं कि कैसा हो रहा है।
फ्रंट बम्पर भी हमने पूरा स्क्रैप करके बनाया है। तो मेन गाड़ी में खराब तो हुआ आगे का फ्रंट बोनट था, आप बोनट देख सकते हैं जो कलर उड़ा हुआ था, वो अब कैसा लग रहा है। तो भी पूरा उड़ा हुआ था कलर। अगर आपको गाड़ी का काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम चैनल पे ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कोई गाड़ी का काम कराना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वर्कशॉप अहमदाबाद नारोल में है। गाड़ी का काम तो हर कोई कर लेता है, पर क्वालिटी वाला काम करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू।